मैंने सेंटर टेबल एक ऑर्डर की थी, और एक आप ये देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत सा एक ये लैंप है, बड़ी यूनिक चीज है। ये ड्यूरिंग मेकिंग जो है ये किया जाता है। वुड की टाइप्स होती हैं, किकर है, शीशे में लोकली। फर्नीचर लाइन के अलावा मतलब डाइनिंग टेबल्स और मुख्तलिफ इन चीज़ों के अलावा हम लोग फिर डेकोर आइटम्स के ऊपर भी, वॉल हैंगिंग्स के ऊपर, मिरर्स के ऊपर, लैंप्स के ऊपर, फ्लोर लैंप्स के ऊपर, टेबल लैंप्स के ऊपर आते हैं। ये ओशन व्यू बनाया हुआ हमने, इसी तरह ये स्टोन रखे हुए हैं, फिश है। और ये एक्चुअली क्या है, क्या ये बेड की टेक है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ये बस इसकी सैंडिंग होनी है और फिनिशिंग। ये नेचुरल ही है, बट उसके इसके ग्रेन्स भी नेचुरल ही रहते हैं, हम इसमें स्टेन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खराफे से होंगे, थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड देखकर समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर के लिए जो है वो कुछ फर्नीचर की सिलेक्शन के लिए गया था, तो वहाँ से ही हमने सोफ़े भी लिए, और वहीं से हमें अपने घर में जो यानी सोफ़ों के दरमियान में सेंटर टेबल होती है, तो उसको वो हमें वहाँ पर हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त और न्यू ट्रेंड के साथ जो है इसको हम रेजन आर्ट भी कहते हैं। तो मैंने सेंटर टेबल एक ऑर्डर की थी, और एक आप ये देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत सा एक ये लैंप है, और ये जो आप पीस देख रहे हैं वुड का, ये बिल्कुल नेचुरल पीस है। ये हमने कॉफी टेबल जो है वो बनवाई थी, इसको हम एज अ कंसोल भी यूज कर सकते हैं, और एज अ कॉफी टेबल भी जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी यूनिक चीज है। ये ड्यूरिंग मेकिंग जो है ये किया जाता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेव होते हैं, ये नेचुरल, चूंकि पूरा वुड का पीस नेचुरल होता है, और ये ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, तो ये इसके अंदर ये आप स्टोन्स डलवा सकते हैं, छोटे भी बड़े भी। ये शीशा नहीं है, ये देखें आप, ये जो बेड का बैक साइड जो होती है ये वो है, ये इन्होंने साइड टेबल बनाई हुई है, ये भी लैंप है, ये भी आप देखें ये गोल सा जो है, तो ये दरख्त का जो पीस है, यानी जो पीस इनके पास आता है, जो पीस इनके पास आता है रैंडमली, इसको रख कर फिर ये सोचते हैं कि इसका हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, साथ साहब जो है वो इसके इस ब्रांड के ऑनर हैं, और वो आज हमारे साथ हैं, और जो भी इससे रिलेटेड जो यूनिक चीज़ है वो साहब भाई आपको खुद बताएंगे। ये जो आपने खास करके मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये शीशा है या क्या है ये? सर ये इपॉक्सी रेजन होता है, इपॉक्सी रेजन आर्ट जो है ना वो बाहर के मुल्कों में काफ़ी कॉमन है, यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा लोगों को इसकी नो हाउ हो ही रही है। अच्छा, और ये लिक्विड होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड ग्लास। ठीक है, तो इसको पोर किया जाता है, और इसको जैसे एज अ लिक्विड ट्रीट होता है, उसके बाद जब ये सेट हो जाता है तो ये ग्लास लुक जो है ना वो देता है, अगर आप इसको क्लियर फॉर्म में पोर करते हैं। अगर इसमें कलर्स वगैरह ऐड करके पोर करते हैं तो वो फिर इस तरह मेटालिक कलर्स आते हैं, उसमें मेटालिक कलर्स आपको शो हो जाते हैं। अगर क्लियर फॉर्म में पोर किया जाए फिर ये सी थ्रू होता है। तो हमारे पास इस तरह ये बैटरी, ये जो शीट है किस चीज़ की? ये शीट नहीं सर, ये प्योर वुड है, हम वुड एंड इपॉक्सी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, प्योर वुड और इपॉक्सी साथ में। इसमें हमारे पास ऊपर अभी आपको दिखाएंगे वुड के हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सीजन वुड होती है, इसके लिए ज़रूरी होती है, तो वो हम हर महीने इसकी बाइंग करते हैं वुड की। तो डिफरेंट किस्म की वुड होती है, वो खुद जाके लेके लेनी पड़ती है, आर्टिस्टिक स्टाइल की होती है, और ताकि एंटीक और यूनिक चीज़ जो है ना वो बन सके। इसमें वुड की टाइप्स होती हैं, किकर है, शीशे में लोकली वुड वो हम प्रिपेयर करते हैं, और रेजन इम्पोर्टेड है, हम लोग एक पार्टनर के साथ मिलकर इम्पोर्ट करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रेड है और बड़ा एक यूनिक चीज़ है, और क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए ये करने के लिए। फर्नीचर लाइन के अलावा मतलब डाइनिंग टेबल्स और मुख्तलिफ इन चीज़ों के अलावा हम लोग फिर डेकोर आइटम्स के ऊपर भी, वॉल हैंगिंग्स के ऊपर, मिरर्स के ऊपर, लैंप्स के ऊपर, फ्लोर लैंप्स के ऊपर, टेबल लैंप्स के ऊपर आते हैं। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली हम बनाते रहते हैं, ये नेचुरल काम होता है कि वुड का इतना ही पीस हमें अगर विजुलाइज करें तो ठीक लगा, हमने उसको जो है ना वो कट करके और एक अपनी विजुलाइजेशन से उसको जो है ना वो बना लिया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा कि ये जो पूरा पीस था ये कैसे? जी बिल्कुल, ये कुछ हम जब प्रोक्योर करते हैं वुड तो फिर ज़्यादा कुछ जो चौड़े पीस होते हैं उनको फिर हम इसी तरह सिंगल शेल्फ टेबल के अंदर, ये मैट फिनिश में है, आपको हाई ग्लास फिनिश में भी मिल सकता है, और ऑफिस टेबल एक हमने जो है वो अपने इसको ये मैट फिनिश है, नेचुरल मैट फिनिश, ये हाई ग्लॉस फिनिश है, ये इपॉक्सी हाई ग्लॉस फिनिश है। साथ गुलशन साहब अभी मौजूद हैं जो कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, और वो इनकी टीम का एक हिस्सा है,
जो कि आपको इस यूनिट के हवाले से बताएंगे कि इस यूनिट में क्या कुछ होता है। जी बेसिकली वुड जो है वो ऊपर लेवलिंग होके, ऊपर सेक्शन है हमारा वुड का, और लेवल होके और रेग माल वगैरह और सैंडिंग होके प्रॉपर तरीके से नीचे आती है, और फिर हम इसको एक फिक्चर बनाते हैं। इसी तरह फिक्चर बना के जिस साइज़ का कस्टमर का साइज़ होता है उसी के मुताबिक, और फिर ये क्लंप करके सिलिकॉन लगा के और ये फिक्चर बन के इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी आपका कोई आर्टिकल हो तो उसको रेडी होने के लिए मेरा ख्याल एक महीना तो मिनिमम एक महीने का टाइम लेते हैं कस्टमर से। ओशन व्यू बनाया हुआ हमने, इसी तरह ये स्टोन रखे हुए हैं, फिश है। ये एक्चुअली क्या है, क्या ये बेड की टेक है? ये बेड बन रहा है, वो इसी वुड में ही होगी और इसी वुड में ही आगे भी और लड़े भी है। और इस वुड को आप क्या कहते हैं? ये कीकर की है वुड, कीकर हम काम करते हैं। कीकर में भी और शीशे में भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो शीशे में करवाना चाहता है तो शीशे में करवा दें। ये नेचुरल ही है, लेकिन उसके इसके ग्रेन्स भी नेचुरल ही रहते हैं। हम इसमें स्टेन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करते, इसी ग्रेन्स को जो सैंडिंग करके इसके मजीद खूबसूरत सा काम हुआ है। आप देखें कि ये सारी एक्सेसरीज यूज की गई हैं और इसको एक पूरा बीच का एक व्यू दिया गया है, जो देख सकते हैं। ये आप लोग क्या तैयार कर रहे हैं? ये एक कैंडल स्टैंड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कैंडल स्टैंड। ये बेसिकली एक जड़ का पीस था जो हमने निकाला है और उसको सफाई की है सारी, ऊपर से इसकी छाल वगैरह उतारी है। मैंने इनको स्पेशली कहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त आपको ऑर्डर करेंगे और इंशाल्लाह मेरी तरफ से जो 10% 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा, बाकी जो आपको ये अपनी तरफ से डिस्काउंट देंगे वो अपनी तरफ से देंगे। ये किस टेबल है? ये सेंटर टेबल है। ये भी सेंटर टेबल है, उसमें पोरिंग हो रही है सी थ्रू। आपने इसमें मटेरियल डाला हुआ है? जी जी, सी थ्रू रेजन की पोरिंग है, ये नजर आएगा हर पर, वो मेटालिक की होती है, दूसरी पोरिंग वगैरह हम करते हैं। इसी तरह एक ये डाइनिंग बन रहा है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ये बस इसकी सैंडिंग होनी है और फिनिशिंग। अच्छा, ये जो मटेरियल आपने बताया था ये क्या लगा हुआ है? ये इपॉक्सी रेजन, इपॉक्सी रेजन है, ये एपॉक्सी की फिलिंग है सारी इसमें, और ये भी एपॉक्सी ही है। आ जाती है तो मतलब कोई अगर यहाँ पर कोई निशान पड़ जाता है किसी चीज को टच होने का, क्रैक नहीं, ये बेसिकली शीशा नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह का। अच्छा अच्छा, ये प्लास्टिक बन जाता है, ये शीशे की तरह क्रैक नहीं आएगा इसमें। हाँ, अगर टच हो जाता है तो ये रिपेयरेबल है। रिपेयरेबल ये घर पे भी आपकी मशीन से होता है इसको? नहीं, इधर ही वर्कशॉप में लाना पड़ेगा। वैसे ये खराब तो नहीं होता, साइडों से टूटता नहीं है, कोई हैवी चीज लगे तो फिर टूट जाता है या नुकीली चीज, लेकिन ऊपर से टॉप कोट जो है ना वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, लेकिन वो कुछ सालों के बाद, 2 सालों के बाद हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनको हम रीडू बिल्कुल नया कर देते हैं, दोबारा सैंडिंग करके और दोबारा कोटिंग कर देते हैं। जो डिजाइनिंग है वो चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट पेंट। हाँ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, अगर वो चाहे कि हमें ये ब्लू नहीं चाहिए, हमें ग्रीन चाहिए तो ग्रीन। ये ओरिजिनल स्टोन वगैरह है और ये सीनरी नहीं है, एक होता है ना कि वॉल पेपर लगाया हुआ है, ये वो चीज नहीं है, ये देखिए ये ओरिजिनल है, बहुत खूबसूरत चीज बनाई हुई है, छोटी छोटी एक्सेसरीज बनाई और वेव्स वगैरह भी इसको वेव्स है, और ये आप देख सकते हैं सी फिश बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पर इसका काम किया हुआ है। आगे जी, हमारे पास वुड आती है डिफरेंट एरिया से, हम लेके आते हैं साहिवाल से, मुल्तान से, और भी जहाँ जहाँ से अच्छी मिले, तो मुख्तलिफ पीसेज हम यहाँ लेके आते हैं। ये देखें डिफरेंट पीसेज हैं, अब इसमें सीजनिंग के लिए रखा हुआ है, इसको स्प्रे करते हैं, पानी लगाते हैं, धूप में पड़े हुए हैं। तकरीबन ये सीजनिंग हमारा जो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है ना, तकरीबन 1 साल के लिए, तो ये 1 साल तक सूखते रहेंगे, 10 महीने या 1 साल तक नेचुरल सीजनिंग हो रही है इसकी। हम प्लांट में नहीं, इसी तरह ये बारिश पानी पड़ता है और फिर धूप पड़ती है तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से सीजनिंग होती है। इसी तरह इस तरह के पीसेज हैं और आगे हैं, आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, हम जैसे आपको पहले बताया कि ये हम दूर दराज से वुड परचेज करते हैं, और इसी तरह दरख्त जो है ना वो पूरे पूरे तने हम वहाँ से कटवा के और यहाँ ले कर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे याद आई कि जब मैं यहाँ पर आया था और मैंने विज़िट किया था तो इन्होंने एक चीज़ बड़ी वाजिया की थी जो कस्टमर बाद में तंग होता है
कि ये चूंकि नेचुरल वुड के पीस होते हैं, अब अगर आज ये बना रहे हैं तो इनको सेम जो ग्रेन होते हैं या सेम जो पीस है उसका, जैसे ये कट आप देख रहे हैं 100% सेम ही मिलेगा, इससे काफ़ी सिमिलर आपको 70-80% सिमिलर मिल जाएगा। और जो आपकी टेबल बनकर आएगी, अगर आप सेकंड टेबल बनाना चाहते हैं तो वो इससे मिलती जुलती होगी। आप लोग इस जेन को रखिएगा कि अगर आपको रिपीटेड कोई आर्टिकल चाहिए होता है तो उसमें थोड़ा बहुत उसके कट्स का फ़र्क होता है, समटाइम थोड़ा सा उसके ग्रेन्स का भी होती वो चीज़ें, क्योंकि ये नेचुरल आता है, ये इसको खुद नहीं बनाते। सेट बन रहा है, ये तीन टेबल का सेट है। अच्छा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें भी हमने ग्लॉस ही रखना है ऊपर। अच्छा, इसकी अभी कटिंग होगी, ये भी लेवल नहीं है, कटिंग होगी। इसका वेट देखें हम, उसका वेट ज़्यादा था, इसका वेट कम है। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है घर में। ये देखें, ये भी हमने एक सेंटर टेबल बनाना है और इसमें जो है वो ग्लास आ जाएगा। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो इसके बीच में वो स्पेस है, तो इसको आप अगर कोई इस पर अगर कोई बर्तन रखना चाहेगा, इसको आप कैसे कवर करेंगे? फिलिंग अगर हम इपॉक्सी की करते हैं तो इपॉक्सी की फिलिंग हो जाएगी। ये जो हमने ये कट दिया हुआ है ना, इसमें ये जो इसमें ग्लास है, शीशा आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह का शीशा कटवा के हम इसके ऊपर रख देंगे, वो एंड तक फिर ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, शीशे के बराबर। और इसके अंदर जो है ना वो नेचुरल ही आपको नजर आएगा कि इसकी लुक नेचुरल है। ये हो रहा है सेंटर टेबल के लिए तैयार हो रहा है। ये थोड़ा सा मूवेबल भी है, इसलिए ये सेंटर टेबल के लिए। फिर बीच में नेचुरली ये इसकी स्पेस एक बनी हुई है, इसके ऊपर जो है उसको यहाँ पर इसके गोल जो है शीशा आ जाएगा। और ये बाहर से भी कोटिंग हो जाएगी, अंदर से भी इसकी कोटिंग हो जाएगी, और ये वुड जो है वो पूरी तरह तरीके से प्रिजर्व हो जाएगी। अंदर वगैरह टॉप कोट के लिए रेडी है, ये पहला कोट हो चुका है इसमें, और इसकी सैंडिंग होगी। तीन कोट करते हैं हम, तीन कोट में तैयार होता है। अब ये पहला कोट हो चुका है, अब इसकी सैंडिंग होगी, सैंडिंग करने के बाद फिर दूसरा कोट होगा। इसी तरह ये बर्निंग वाला पीस, इसमें बर्निंग में वाइट कलर कस्टमर को पसंद था, ये वाइट कलर, और वाइट कलर की हमने बर्निंग में फिलिंग की है। इसी तरह वो बर्न किया हुआ हमने, ये क्लॉक बन रही है। अच्छा, इसमें जो नीडल्स हैं वो गोल्डन कलर की, और नंबर भी गोल्डन कलर के। इसको अच्छा, इसको आपने बर्न करके वो किया, पेंट नहीं किया? नहीं नहीं, पेंट नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल। जैसे ये देखें कोयला होता है ना, उसी तरह। और ये भी ऐसी है, हमने इसमें कोटिंग की हुई है, देखें आपके हाथ में नहीं, वो ब्लैक ब्लैक जो है ना वो नहीं आएगा, देखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर जो है वो आपको वीडियो स्क्रीन पे भी आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगे, और इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको जो है वो उसका डिटेल में दे दिया जाएगा। दुबई टाउन शेरशाह कलोनी को क्रॉस करके मिजान बैंक के करीब ही इनका ये अंदर जाके एक फैक्ट्री है जहाँ पर इनका यूनिट लगा हुआ है। वो भी तफसीलात जो है वो डिस्क्रिप्शन पे, यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके आप इनका देख सकते हैं, या कॉल करके आप इनका ले सकते हैं नंबर। लाहौर के अंदर जो है वो इनका ये यूनिट मौजूद है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो, और इनकी जो एफर्ट है ये पसंद आई, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप लोग हमें आगाह करें। जज़ाकअल्लाह।